ज्ञानवापी मामले में पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी मेरे साथ हैं। अजय मिश्रा जी, आपकी रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई कि कल आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी, रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में मैंने जो 10 उसी का जिक्र है, उसी का जिक्र उसमें मैंने किया हुआ है। रिपोर्ट में आप देखे भी होंगे, रिपोर्ट तो आप तो पब्लिक प्रॉपर्टी में चली गई, वो तो कोई भी देख सकता है, नहीं उसको नहीं देख पाएंगे। आपने भी देखा ही होगा रिपोर्ट में क्या लिखा है। फिर भी जो है मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि जो मैंने देखा उसका मिलान जो है बाहर, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, न्यायालय मंगा के देख सकती है। और जो विवादित बैरिकेडिंग के अंदर जो विवादित स्थल है, पश्चिमी दीवार है, उसका जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उसका मिलान बाहर के अवशेष से किया जाए तो वो मैच खाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि टूटा हुआ अवशेष ही जो है उसका बाहर, मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वो मंदिर था और उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया, ये इशारा आपने अपनी रिपोर्ट में किया। अब मैंने जो देखा सर वही लिखा हुआ है। नहीं, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। न्याला विवेक है कि उसको क्या समझती है, मैंने जो देखा लिख के दे दिया है। आपने ये भी कहा है कि सिंदूरी रंग की कोई आकृति वहाँ पे मिली है, वो क्या है? देखने से जो है एक साथ जो है लगभग 3-4 मूर्तियाँ एक साथ, मतलब आकृति दिखाई दे रही थी जो मूर्ति आकार की थी, उस पर सिंदूर पोता हुआ था जो है। तो वह क्वेश्चन मैंने ये किया कि जो ये दिखाई दे रही हैं आकृतियाँ, क्या ये आपकी वादिनी और उसके जो है अध्यक्षता जो लोग थे उनसे मैंने पूछा, क्या ये आपकी आकृति जो दिखाई दे रही है यही आपकी श्रृंगार गौरी है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये श्रृंगार गौरी नहीं है, उनके जो है मंदिर के टूटे हुए अवशेष का जो है मंदिर का, और जो है इसको जो है मैं हम लोग जो कि अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो इन्हीं को जो है हम श्रृंगार गौरी मान के पूछते हैं। का जिक्र है ये शेषनाग, मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे, मतलब मुझे लगा कि नहीं ये शेषनाग का अंश है। इसकी भी रिकॉर्डिंग करके आपने कोर्ट में, वो रिकॉर्डिंग भी है और मैंने अपने रिपोर्ट में भी लिखा है कि नहीं ये अंश पाया गया। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा रिपोर्ट आपने सबमिट करी है इसमें ऐसा क्या खास है जिसको आम जनता को भी समझना चाहिए और कोर्ट को भी उस पर सबसे ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए? सबसे मुख्य चीज़ ये है कि अगर बाहर अंदर न भी जाया जाए, अगर बाहर से ही देखा जाए, तो जो पश्चिमी दीवार दिखाई दे रही है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उस पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उसको देख के भी कहा जा सकता है कि ये मंदिर का ही अंश है, न कि किसी मस्जिद का है। अच्छा, एक अभी जो है मेरे पास जानकारी आई है कि जो विशाल जी ने रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि शिवलिंग जो है दूसरे सर्वे में शिवलिंग बरामद हुआ, आपके सर्वे में शिवलिंग जैसी कोई चीज़ थी? नहीं, हमारा चूंकि वो अंदर की चीज़ें हैं, मेरे में मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया था, इसलिए मैं उसको पुष्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरे के क्षेत्र की चीज़ है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कर। इसमें एक चीज़ और है कि सनातन कल्चर की जो है कुछ निशानियाँ मंदिर की मस्जिद के अंदर से मिली हैं, बाहर भी कुछ ऐसा था? हाँ, बाहर अगर आप लेंस लगा के देखेंगे जो पश्चिमी दीवार है उस पर पुरानी लिपि में लिखा हुआ जैसे इस आकार का, जैसे हम उसको श्री भी कह सकते हैं एक तरह से, अब पहले क्या उसको लिख के कहा जाता था ये मैं नहीं बता सकता, मैं पुरानी लिपि में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं, कुछ जैसे दीपक लौ जलता रहता है उस तरह का ही कलाकृति बनी हुई है। एक चीज़ उन्होंने और लिखा है कि जो बेसमेंट की दीवार है वहाँ पर सनातन साइन कुछ है, आपकी भी कुछ सनातन साइन जो है उसकी दीवारों पर मिला? हाँ, पश्चिमी दीवार में मैंने जो है जूम करके जो है बाहर से ही जो है बैरिकेडिंग के अंदर की जो है कुछ चीज़ें करवाई थी, उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डमरू, त्रिशूल, कमल का फूल और बाकी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो दीवारों पे आपने भी अपने रिपोर्ट में मेंशन किया। मैंने जो है डमरू का जिक्र तो नहीं किया है, हाँ ये कमल का फूल और दीपक के लौ की बातों को मैंने लिखा हुआ है।